नमस्कार। पूछता है उत्तराखंड, क्या पूछता है उत्तराखंड आज? आज उत्तराखंड ये पूछता है कि क्या खटीमा में सीएम साहब के लिए खतरे की घंटी बज रही है? जी हां, सीएम साहब पुष्कर सिंह धामी, धामी जी की विधानसभा खटीमा, और ये सवाल उत्तराखंड क्यों पूछ रहा है अब उसका भी जिक्र करेंगे, जिक्र और फिक्र भी। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे और राजनीतिक के गणित को ग्राउंड जीरो पर खटीमा में लेकर हम आपको लेकर चलेंगे। खटीमा में, खटीमा जिसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि धामी जी क्या दो विधानसभा से लड़ेंगे? दो से लड़ेंगे तो खटीमा से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, और दो से भी लड़ेंगे या फिर नहीं लड़ेंगे, और लड़ेंगे खटीमा छोड़कर तो कौन सी विधानसभा से लड़ेंगे? तमाम सवाल हैं, और इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो किससे और भी दिलचस्प है, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2022 की रणबेरी जिस तरह से बच चुकी है, दल बदल के साथ साथ राज्य की सभी सियासी पार्टियां अपने अपने सेनापति के नेतृत्व में चुनावी मैदान में उतरकर अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटी है। कांग्रेस हरीश रावत, आम आदमी पार्टी कर्नल कोठियाल और बीजेपी धामी, चुनावी समर में जीत हार को लेकर लग रहे कयासों के बीच में एक चर्चा अब यह उठ रही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा की बजाय किसी और सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, किसी और सीट से। इन चर्चाओं को सीएम ने अपने एक बयान से और हवा दे दी। दरअसल इसके पीछे एक आधार है, क्यों मैं आपको खटीमा ले जाने का जिक्र कर रहा हूं वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्यों सीएम साहब को यह लग रहा है कि खटीमा में इफ और बट हो सकता है, उसके पीछे का एक बड़ा फैक्टर है जो ग्राउंड जीरो के रिपोर्टर ने न्यूज वर्ल्ड इंडिया से खास बातचीत करते हुए बताया। लगभग 7 रिपोर्टर से हमने बात की, जो 7 पत्रकार थे खटीमा के, उनसे हमने बातचीत की, उन्होंने उस फैक्टर को बताया था। उस फैक्टर पर चर्चा नहीं हो रही है, उसको मैं आगे बताऊंगा। लेकिन सीएम साहब ने कहा क्या था? सीएम साहब ने कहा था कि कहीं भी रहूं, ध्यान से सुनिएगा, कहीं भी रहूं लेकिन मेरा दिल खटीमा में है और रहेगा, कहीं भी रहूं। और कहा था कि मुझे कई बार लोग पूछते हैं कि खटीमा से चुनाव लड़ने वाले हो या फिर नहीं, मैं कहीं भी रहूं लेकिन मेरी आत्मा, मेरा दिल हमेशा आप सबके साथ है। उनका इतना कहने भर से सियासी गलियारों में कहीं और से चुनाव लड़ने की अटकलें चल पड़ी। इसके पीछे तर्क भी लोग देने लगे कि अगर सीएम को खटीमा से ही चुनाव लड़ना होता तो वो दो टूक कह देते कि चुनाव तो यहीं से लड़ूंगा, और चर्चाएं बंद हो जाती। पिछले चुनाव में खटीमा का चुनाव अगर देखें तो पिछले चुनाव में लगभग 2700 वोटों से पुष्कर सिंह धामी चुनाव जीते थे, जहां तक मुझे याद है 2700 के आसपास वोट थे, 2709। लगातार दो बार से खटीमा से वो चुनाव जीते, और 2012 में कांग्रेस के प्रत्याशी थे देवेंद्र चंद, उनसे जीते थे 15,000 वोटों से। अब इस गणित को समझिएगा, क्योंकि मेहमानों की तरफ मैं रुक करूं उससे पहले इस गणित को आपको समझना बहुत जरूरी है। क्यों कहा जा रहा है कि सीएम साहब के लिए खतरे की घंटी है? 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के जो भुवन कापड़ी हैं, जो इस वक्त जो है कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, उनसे उन्हें टक्कर मिली थी, और वो जो 15,000 का मार्जिन था वो 2700 पर आकर टिक गया। और इस 2700 वाला फैक्टर भी मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि वहां पर एक जातीय गणित वाला खेल है और बहुत दिलचस्प है। अब ऐसे में सीएम खुद खटीमा से आते हैं तो खटीमा हॉट सीट बन गई। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बनने के साथ खटीमा विधानसभा सीट से खुद विधायक भी है। अब यही वजह है कांग्रेस से लेकर जो पहली बार चुनावी मैदान में उतर रहे आम आदमी पार्टी, उनकी नजर इस सीट पर टिकी गई। भुवन कापड़ी चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, कार्यकारी अध्यक्ष बनके उन्होंने अपनी पकड़ को मजबूत बनाया है। आम आदमी पार्टी भी यहां पर दो दो चेहरों को लेकर आई है, और जिस जाति का मैं जिक्र कर रहा हूं, राणा साहब हैं एक, वहां से आते हैं,
और वो दावेदारी कर रहे हैं, अगर उन्हें मिल गया टिकट तो फिर यहां पर गणित कुछ और होगा, क्योंकि ये 2700 वोटों का मार्जिन जो है वो यहां पर सीधे तौर पर असर डालेगा। अब मैं आगे आता हूं। डीडी हाट कहा यह जा रहा है कि किस विधानसभा सीट से अगर खटीमा नहीं तो किस सीट पर, चर्चाएं और हवाएं उड़ रही हैं कि डीडी हाट से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ सकते हैं। अब डीडी हाट ही क्यों, अब वो भी समझिए, क्योंकि मुख्यमंत्री का पैतृक गांव है, पिथौरागढ़ जिले में आता है डीडी हाट, और सीएम बनने के बाद मुख्यमंत्री धामी इन दिनों एक्टिव बताए जा रहे पिथौरागढ़ में, और पिथौरागढ़ के दौरों से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो शायद डीडी हाट से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अभी ये कयास ही है, सिर्फ कयास। लेकिन दो सीट वाली थ्योरी कहां से आई, दो सीट वाली थ्योरी, और ये खतरा भी है दो सीट वाली थ्योरी का। वो खतरा क्यों है ये समझिए, वो खतरा इसलिए है क्योंकि दो सीट से हरीश रावत भी चुनाव लड़े थे। हरीश रावत एक तो उनकी पड़ोस वाली सीट किच्छा से ही लड़े थे, खटीमा की पड़ोस वाली सीट किच्छा से, और दोनों सीट से हरीश रावत चुनाव हार गए थे। लेकिन किस्सा यही खत्म नहीं होता, अब इतिहास पलटिए। भुवन चंद खंडूरी कोटद्वार से चुनाव लड़े और चुनाव हार गए 2012 में, खंडूरी है जरूरी। मैं अपने मेहमानों की तरफ रुख करूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको तीन बयान सुनाता हूं और फिर रुख करेंगे सीधा अपने मेहमानों की तरफ। पहले जरा ये तीन बयान सुनिए जल्दी से। कहते हैं कि अब आप खटीमा से चुनाव लड़ने वाले हो कि नहीं लड़ने वाले हो भाई, अब आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, पहली बार आपने ही मुझे इस क्षेत्र में टिकट देकर भेजा था जब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। मैं कहना चाहता हूं कि मैं कहीं रहूं मेरी आत्मा हमेशा आप सबके साथ रहेगी, आप सबके दिल में, आप सब मेरे दिल में। सुनने में आया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब दो सीटों से चुनाव लड़ने का मन बनाया है, ऐसे में साफ परिलक्षित होता है कि उनको खटीमा सीट से अपनी जीत पर संशय बना हुआ है। अब संशय बनना लाजमी है क्योंकि तीन मुख्यमंत्री बदल दिए लेकिन विकास के आयाम स्थापित नहीं कर पाए, तीन मुख्यमंत्री बदल दिए लेकिन बेरोजगारी की स्थिति जस की तस है, तीन मुख्यमंत्री बदल दिए लेकिन महंगाई ने मातृशक्ति की कमर तोड़ कर रखी हुई है, यौन उत्पीड़न खुद के दल के लोगों ने किया हुआ है, किसानों की दुर्दशा प्रदेश के अंदर है और लगातार तमाम तरह के तबके आंदोलनरत हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री जी को शायद डर सता रहा है कि खटीमा से वो चुनाव हार सकते हैं, यही कारण है कि अब उन्होंने दो सीटों से चुनाव लड़ने का मन बनाया है। माननीय मुख्यमंत्री धामी जी दो जगह से चुनाव लड़ सकते हैं या अपनी विधानसभा छोड़कर दूसरी जगह से चुनाव लड़ सकते हैं, तो ऐसा सोचने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि अपनी विधानसभा में तो काम किया ही नहीं है। दो बार विधायक रहने के बाद भी खटीमा विधानसभा का कितना विकास हुआ है, वहां के स्कूलों की हालत, वहां के रोडों की हालत देखने से पता चलती है। तो जब अपनी विधानसभा का विकास ही नहीं किया तो एक डर के अंदर जो है कि जनता नकार ना दे तो दूसरी विधानसभा चले जाइए और चुनाव लड़ करके विधानसभा भवन पहुंच जाइए। खटीमा को जीतना मुख्यमंत्री के लिए आसान है या फिर मुश्किल, यह सवाल एक बार फिर से मुंह बाहे खड़ा हो गया। खटीमा नेपाल बॉर्डर के करीब खटीमा, और यहीं से ही विधायक बने पुष्कर सिंह धामी एकाएक मुख्यमंत्री के चेहरे हो गए, मुख्यमंत्री बन गए, ना किसी ने सोचा ना समझा। और सीएम का चेहरा बनने के बाद खटीमा में जिस तर्ज पर चर्चाएं चल रही हैं कि वो सीट बदल सकते हैं, अब इन कयासों में कितना दम है, इन चर्चाओं में कितना दम है, जिस तरह से धामी एक के बाद एक बल्लेबाजी कर रहे हैं उससे बीजेपी कह रही है कि विपक्ष बौखला गया है और इस तरह की अफवाहें उड़ा रहा है। लेकिन इन अफवाहों के पीछे सीएम साहब ने खुद बयान देकर इन कयासों को चर्चाओं में ला दिया। सीधा रुक कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। मेरे साथ इस वक्त लखपत बड़ोला साहब जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के चेहरे हैं, कांग्रेस के चेहरे हमारे साथ लखपत साहब हैं। सुशील त्यागी जो हैं वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ विशाल चौधरी हमारे साथ प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी से,
विशाल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आशुतोष डिमरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार है और उत्तराखंड की सियासत को बहुत करीब से देखते समझते आ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले लखपत बड़ोला जी, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। मेरा इरादा आपके पुराने जख्मों को हरा करने का बिल्कुल नहीं है। जो कुछ हुआ हरीश रावत जी के साथ दो विधानसभा सीटों पर लड़ना और हारना, मैं उस विषय में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन मैं इतना जानना चाह रहा हूं आपसे, जो बात बीजेपी के नेता बयानों के जरिए कह रहे थे कि आप लोग सिर्फ अफवाहें फैला रहे हैं। अफवाहें क्यों अफवाहें फैला रहे हैं लखपत जी? देखिए आपने ये बातें कही, देखो धार लगी रहती। माननीय हरीश 2017 का चुनाव उन्होंने निश्चित रूप से कह दिया थे और चुनाव लड़ने का जो फैसला किया था वहां पे पार्टी के लगभग उत्तराखंड में 20 सीटें विधानसभा की है, उससे एक माहौल बनाने की बात ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन पार्टी चुनाव हार लीड करने का काम किया है, वहां से नेतृत्व मिलेगी। हरिद्वार में विधानसभा चुनाव जीते लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री चुनाव हार गए। राजनीति में अपने अपनी बिसाते और नेता वो है धामी जी का, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री के स्वयं पे मतदान लोग उनका वो पिथौरागढ़ के रहने। लखपत जी मैं आपको कनेक्ट करता हूं, मैं उससे पहले एक बयान सुना देता हूं, तब तक आपको मैं कनेक्ट करता हूं, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, मैं बयान सुना देता हूं नरेश बंसल साहब का। नरेश बंसल साहब का इस पूरे मामले को लेकर प्रतिक्रिया आई है, राज्यसभा से सांसद हैं और नरेश बंसल क्या कुछ कह रहे हैं, मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा नरेश बंसल का बयान प्ले करिएगा और फिर उसके बाद मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा और कोशिश करता हूं आपसे कनेक्ट करने की, लेकिन पहले जरा नरेश बंसल का बयान सुनिए। मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व तो जो भी तय करेगा और खटीमा मेरे दिल में हमेशा रहेगा, तो ऐसा उन्होंने नहीं कहा कि मैं खटीमा बदल रहा हूँ। खटीमा से ही लड़ रही है। अब ये तो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, कोई कैसे तय कर सकता है कि मैं यहीं से लड़ूंगा। कांग्रेस वाले क्या अपनी इच्छा व्यक्त कर सकता है लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। तय करता है कि आखिरकार किसको कहां से चुनाव लड़ना है, कोई व्यक्तिगत रूप से तय नहीं कर सकता कि मैं इसी सीट से चुनाव लड़ूंगा। आप सोचिए कि सीएम जब खुद ये कहें कि आखिरकार मैं कहीं भी रहूं लेकिन मेरा दिल खटीमा में रहेगा, तो फिर इसके मायने क्या हैं? सीधा रुक कर रहे हैं सुशील त्यागी जी, जरा मायने समझा दीजिए सर, जिसको लेकर कयासबाजी हो रही है, खटीमा से ही चुनाव लड़ रहे ना सीएम साहब। राजनीति में तिलक जी कयास चर्चाएं ये रहती हैं और जिनको राजनीति में कुछ नहीं मिलता वो इसी से अपना मनोरंजन करते हैं, उनको करने दीजिए। मुख्यमंत्री जी लगातार पूरे राज्य का दौरा कर रहे हैं, चुनावी मोड में हैं इस समय, और वो कहां से लड़ेंगे ये पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। अच्छा लोग मनोरंजन कर रहे हैं चैनल पे, मनोरंजन कर रहे हैं निश्चित रूप से, करने दीजिए, क्या दिक्कत है, चुनाव है तो चुनाव में क्या परेशानी है। अच्छा तो सुशील जी ये काम करते हैं सर, मैं काम करता हूं, मैं अपने सहयोगी से भी चाहूंगा, आप सुशील त्यागी जी बोलेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री जी खटीमा से ही चुनाव लड़ेंगे और तुरंत ब्रेकिंग चल के चला दीजिएगा, आगे नाम लीजिएगा सुशील त्यागी जी। सुशील जी बोलिए खटीमा से ही लड़ेंगे ना सीएम साहब? तिलक जी आप ही के चैनल पर आप ही बता रहे थे पार्टी का नेतृत्व तो जो भी तय करेगा मुख्यमंत्री जी वहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने आप ही के चैनल पर कहा कि जो भी निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड का होगा अपने नेतृत्व का होगा, वो निर्णय कुछ भी हो पर खटीमा हमेशा मेरे दिल में रहेगा। इसमें क्या अतिशयोक्ति है और क्या गलत है? तो मतलब खटीमा से ही चुनाव लड़ेंगे ना सर, मैं यही तो कंफर्म करवा रहा हूं। मैंने ये निर्णय तो पार्टी के पर्यवेक्षक जाएंगे, पार्लियामेंट्री का बोर्ड तय करेगा, जो भी पार्टी का निर्णय होगा वो सिरोधार्य होगा मुख्यमंत्री जी को। लेकिन क्यों है अगर खटीमा है तो फिर इतनी कंफ्यूजन क्यों है? बहुत क्लियर है, कंफ्यूजन है ही नहीं। क्या कंफ्यूजन आप बताइए, सीधी सी बात है, उन्होंने कहा कि जो भी पार्टी का निर्णय होगा वो निर्णय सिरोधार्य करते हुए हम काम करेंगे, लेकिन खटीमा दिल में है, दिल में रहेगा। अच्छा लखपत जी सुना आपने, सुशील त्यागी जी कह रहे हैं कि वो खटीमा से चुनाव जीते थे और खटीमा से ही चुनाव लड़ेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें?
सुना आपने? पार्टी पार्टी का जो भी निर्णय होगा। लखपत जी जरा एक मिनट, वो दे पावर बैंक। लखपत बड़ोला साहब, लखपत बड़ोला जी, जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी मैं सुन पा रहा हूँ आपको। सुना आपने, सुशील त्यागी जी कह रहे हैं कि खटीमा उनके दिल में है, खटीमा से ही चुनाव लड़ेंगे। जी जी मैंने सही कहा ना? मैंने पहले जी मैं पहली बात कहना चाह रहा हूँ कि माननीय हरीश रावत जी की आपने बात की थी 2017 की, मैंने कहा हरिद्वार और तराई के क्षेत्रों को लेकर के 30 विधानसभा सीटें थी। हरीश रावत जी ने तब मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने निर्णय लिया था कि मैं लीड करूंगा, क्योंकि तराई और हरिद्वार के अंदर हमारी 20 विधानसभाएं आती है और दुर्भाग्यपूर्ण उस समय वो चुनाव हारे, लेकिन उन्हें लीड करने का काम किया, पार्टी को रास्ता दिखाने का काम किया। लेकिन इसमें उल्टा ये है कि कांग्रेस नहीं कह रही, ये तो माने मुख्यमंत्री जी ने कहा। अब सब लोग जानते हो, पिथौरागढ़ में पैदा हुए, डीडीहाट में पैदा हुए, डीडीहाट के रहने वाले हो और खटीमा से चुनाव लड़े, आज वो भाग रहे हैं। उन्हें पता है मैं खटीमा से चुनाव नहीं जीतूंगा। कहां भाग रहे हैं? आंदोलन हो चाहे, ये मैं कह सकता हूँ, एक मुख्यमंत्री को जो नेतृत्व करना चाहता है, लीड करनी चाहिए, जो अपराध अपनी भाजपा के अंदर। नहीं नहीं लखपत जी, कहाँ भाग रहे हैं? अभी सुशील त्यागी जी कह रहे हैं कि वो खटीमा से चुनाव लड़ेंगे, आपने सुना नहीं? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने कहा पार्टी पार्लियामेंट बोर्ड। मैं दोबारा बुलवाऊं सुशील जी, दोबारा बोल दीजिए वो खटीमा से चुनाव लड़ेंगे। पार्लियामेंट बोर्ड को तय करना होगा, तो इसका मतलब वो भाग रहे हैं। तिलक जी एक तो आवाज नहीं लग पा रहा हूँ, जमानत आवाज नहीं लखपत जी की, सुरक्षित सीट ढूंढना चाह रहे। सुशील जी वो कह रहे कि एक बार दोबारा से दोहरा दीजिए कि सीएम साहब खटीमा से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी का जो भी निर्णय होगा, सीएम साहब वहां से 70 उत्तराखंड में 70 विधानसभाएं हैं वो लड़ेंगे। लेकिन आप बताइए, आप ही मनोरंजन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि लोग मनोरंजन कर रहे हैं इस बात को लेकर, करने दीजिए। आप भी तो मनोरंजन कर रहे हैं, आप फिर बोल दीजिए ना लखपत साहब, यही तो कह रहे हैं कि बोल दीजिए आप। आप ये बताइए तिलक जी, क्या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तरह जो मर्जी जहां से आए वहां से, उन्होंने जो भी पार्टी का डिसिप्लिन है, सिस्टम है, कार्य पद्धति है, उसके आधार पर माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं खटीमा मेरे दिल में है, दिल में रहेगा, लेकिन ये निर्णय पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड और राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। देखिए लखपत साहब, मैंने तो पूछ लिया, वो नहीं बता रहे आप, पहले बोल रहे थे कि लड़ेंगे, आप कह रहे हैं कि नहीं लड़ेंगे, अब मेरे को मैं भी कंफ्यूज हो गया। मैंने आपसे कहा है तिलक जी कि मुख्यमंत्री अपनी सीट, उन्हें पता है मेरी जमानत नहीं बचेगी, वो भागना चाह रहे, भाजपा में अफड़ा तफड़ी मची है, हर कोई अपने लिए सुरक्षित सीट ढूंढने पे लगा हुआ है। मैंने लीड करने की बात होती है, मुख्यमंत्री को काम पे भरोसा होता, प्रधानमंत्री से डबल इंजन की सरकार पे ये भरोसा होता, तो निश्चित लखपत जी कि हाँ लखपत जी, दूसरों के घर पत्थर तभी मारते हैं, दूसरों के घर, आपके घर भी शीशे के हैं। मैं मुख्यमंत्री बना हूँ तो खटीमा की सेवा करूंगा, लेकिन क्योंकि वो डर रहे हैं आज, उन्हें पता है कि जमानत नहीं बचेगी खटीमा से, लखपत जी, और इसलिए मुख्यमंत्री भागने का काम करे। लखपत जी तुमने, आपने हरीश रावत जी की बात की थी, हरीश रावत जी ने नेतृत्व किया था पार्टी का, पार्टी जहाँ सबसे कमजोर है, मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा और उन 20 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों का नेतृत्व करो। दुर्भाग्य से चुनाव नहीं जीते, चुनाव में हार जीत लगी रहती, लेकिन चुनाव से पहले इस तरह भाग जाना, आप समझ सकते हैं उत्तराखंड में भाजपा की क्या स्थिति है। लखपत जी मैं आशुतोष डिमरी जी के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले ये तो बताइए, आप उनके घर पत्थर मार रहे हैं, हरीश रावत कहां से चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ पता है आपको? जी बता दीजिए। जी देखिए, अभी तक कांग्रेस ने जो अपने कांग्रेस ने इस समय जो तय किया है कि हरीश रावत जी टोटल चुनाव संचालन 70 विधानसभाओं में प्रचार करेंगे और जब पार्टी बहुमत में आएगी उसके बाद किसी भी सीट से वो चुनाव लड़ेंगे निश्चित रूप से, लेकिन अभी ये तय नहीं किया गया हरीश रावत जी को। अच्छा, इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे मतलब? बनाया गया पार्टी का और उनको मुख्य चेहरे के रूप में प्रत्येक विधानसभा में वो मीटिंगें करेंगे, लगातार मीटिंगें कर रहे हैं Okay. और जब सत्ता में पार्टी आएगी, बहुमत में आएगा, तो वो किसी भी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, उसमें कोई ओके okay, मतलब पहले चुनाव जितवाएंगे फिर चुनाव लड़ेंगे, ओके okay, मतलब बोगड़ा जी वाला फॉर्मूला अपनाएंगे, फिर उसके बाद किसी की सीट खाली करवाएंगे, वहां पर उपचुनाव करवाएंगे, मैं समझ गया। ओके ओके, पिछली बार हरीश रावत जब 2012 में सरकार हरीश रावत जी के नेतृत्व में आई थी तो तब मुख्यमंत्री विजय बोगड़ा जी एक्सीडेंटल सीएम बन गए, लेकिन जिस तरह से अच्छा आप जानते हैं, आप डिबेट छोड़ के मत भागिएगा, एक सवाल पूछ रहा हूँ इसी से जुड़ा हुआ। नारायण दत्त तिवारी कौन से मुख्यमंत्री बने थे फिर? नारायण दत्त तिवारी,
देखिए तिवारी जी उत्तराखंड का बड़ा चेहरा था। अच्छा, मतलब तिवारी जी बोगड़ा जी एक्सीडेंटल सीएम बन गए, लेकिन तिवारी जी फिर क्या थे? फिर बोगड़ा एक्सीडेंटल थे। मैं आज कह रहा विजय बोगड़ा एक्सीडेंटल सीएम थे, उसका उत्तराखंड से कुछ लेना देना नहीं। आशुतोष डिमरी जी, शिक्षा दीक्षा वहीं पढ़े लिखे वहीं के रहने वाले हैं जी। जी इतना सोचा होता तो मुख्यमंत्री नहीं बनाते ना। तो उसमें विजय बोगड़ा जी का बड़ा योगदान था, लेकिन आज स्थिति पलटी हुई है। आज सारे कार्यकर्ता हो गया लखपत जी हो गया। इतना सोचा होता तो मुख्यमंत्री फिर क्यों बनाया होता? आज बैठ के इतना कोस रहे हो एक्सीडेंटल सीएम। खैर आशुतोष डिमरी जी, ये क्यों अफवाहें उड़ रही हैं डिमरी जी कि खटीमा से सीएम साहब चुनाव नहीं लड़ सकते, कोई और सीट ढूंढ रहे हैं, फिर डीडी हाट को लेकर चर्चाएं? और सुशील जी कह रहे हैं ये हम थोड़ी ना तय कर सकते हैं, ये तो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। मतलब मुख्यमंत्री भी ये तय नहीं कर सकते कि मैं खटीमा से ही लड़ूंगा, ये समझ से परे है। डिमरी जी मसला क्या है? देखिए मसला ये है, जैसे जैसे पॉलिटिकल सिनेरियो डेवलप होता है और चुनाव नजदीक आते हैं तो स्वाभाविक तौर पर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं एक इस प्रकार की चर्चाएं हो, चाहे वो बीजेपी के अंदर हो, चाहे कांग्रेस के अंदर हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी के अंदर हो, यूकेटी के भीतर हो या अदर पॉलिटिकल पार्टीज हो, ये स्वाभाविक है इलेक्शन के टाइम पे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जैसे त्यागी जी कह रहे हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है, बीजेपी का सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करता है, ठीक है, चीफ मिनिस्टर कौन है, कहां से चुनाव लड़ेगा, या कांग्रेस का मसला है वो सीडब्ल्यूसी तय करती है, या यूकेटी की उनकी अपनी जो भी केंद्रीय वो होगा। और ये चर्चाओं का बाजार निश्चित तौर पर जब तक लिस्ट आउट नहीं हो जाती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, तो बड़े बड़े नेताओं को लेकर के चर्चाओं का बाजार इस जितनी बड़ी ठंड, जितनी ज्यादा ठंड है उत्तराखंड के भीतर, उस ठंड में माहौल पूरा गर्मा रखा है। पहली बात जी, किसका टिकट कहां से होगा किसका, ये उस पार्टी का आलाकमान ही तय करेगा, उसके बाद ही तस्वीर साफ आएगी कि सीएम कहां से टिकट लड़ रहे हैं, हटीमा से लड़ रहे हैं जो उनकी पुरानी सीट है, या कहीं और से लड़ रहे हैं, या हरीश रावत जी कहां से लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं। अभी तक इन सारी बातों पे मैं समझता हूं ये हाइपोथेटिकल सवाल होंगे और ये कयासबाजी का। अगर ये कयासबाजी है तो कयास का दौर शुरू किसने किया? मुख्यमंत्री ये भी तो कह सकते थे कि मैं खटीमा से ही लड़ना चाह रहा हूं, ये मेरी इच्छा है, बाकी पार्टी तय करेगी, लेकिन वो कह रहे हैं मैं रहूं खटीमा में, दिल मेरा खटीमा में, मैं लड़ूं कहीं भी, इसके क्या मायने हैं? अब इसके मायने तो बीजेपी के स्पोक्सपर्सन बता सकते हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ निश्चित तौर पे जो जो भी नए नए मुद्दे उछलेंगे बीजेपी के लिए जो अच्छे लगेंगे वो कांग्रेस में बहुत उछालेंगे, जो कांग्रेस को फायदेमंद लगेंगे वो सोचेंगे बीजेपी की तरफ उछालेंगे। निश्चित तौर पे लास्ट में डिसाइड तो पब्लिक को करना है। टिकट की जहां तक बात है, टिकट पार्टी आलाकमान को, अलग अलग पार्टी को, अलग अलग अपने अपने पार्टी कैंडिडेट उतारने हैं और फाइनल डिसीजन फिर पब्लिक के हाथ में। लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाह रहा था डिमरी जी, क्या खंडूरी जी ने चुनाव कोटद्वार से लड़ने का फैसला किया, ये फैसला खंडूरी जी का था या पार्लियामेंट्री बोर्ड का था? अब इसके पीछे के मैं कुछ आधार दे रहा हूं। विजय बोगड़ा ने सितारगंज को चुनाव के लिए लड़ने के लिए चुना, ये फैसला विजय बोगड़ा का था या फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड का था? वो तो खैर छोड़िए, एक एक्सेप्शनल केस था एक्सीडेंटल सीएम, क्योंकि लखपत साहब कह रहे हैं और किरण मंडल ने सीट छोड़ दी थी। फिर उसके बाद हरीश रावत ने दो विधानसभाओं को चुना, वो फैसला हरीश रावत का था या पार्लियामेंट्री बोर्ड का था? ऐसे ही डोईवाला की सीट का मैं जिक्र करूं, त्रिवेंद्र सिंह रावत, पहले से ही पार्टी के भीतर ये क्लियर था कि बहुमत में आएंगे तो मुख्यमंत्री ये बनेंगे, लगभग क्लियर था। वो डोईवाला से चुनाव लड़ते हैं और खुद की उनकी पसंदीदा सीट थी और वहां से वो चुनाव जीत भी चुके हैं। मेरा ये कहना है कि क्या वाकई में जब आप मुख्यमंत्री पद के चेहरे होते हैं तब च्वाइस आपकी होती है या पार्लियामेंट्री बोर्ड की होती है, वो भी तब जब टिकट आपको बांटने हैं, टिकट आपको बांटने हैं? डिमरी जी बिल्कुल निश्चित तौर पर जो सीएम कैंडिडेट हैं या सिटिंग सीएम है, तो निश्चित तौर पर जो सिटिंग सीएम है उनके नेतृत्व में आप प्रदेश के डेवलपमेंट को लेकर, गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है उसको लेकर के, जो भी पार्टी होगी सत्तारूढ़ उसको लेकर के आप इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए जाएं। और अपोजिशन से जो लोग, जो पार्टी अपोजिशन में, या तो इलेक्शन कैंपेनिंग कमेटी का चेयरमैन जैसे इस समय हरीश रावत जी को बना दिया है, अप्रत्यक्ष रूप से एक प्रकार से उनको, ये तो अभी कैंडिडेट तो नहीं बोला है कांग्रेस वाला का मान लें, लेकिन इलेक्शन कैंपेनिंग कमेटी का आपने उनको लीडर अपोजिशन और प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर एक प्रकार से कैंपेनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया है। तो निश्चित तौर पे बहुत सारे टिकट के जो बंटवारे होने हैं, चाहे वो कांग्रेस के भीतर हो चाहे वो बीजेपी के भीतर हो, तो कहीं ना कहीं सीएम का या फिर वो इलेक्शन कैंपेनिंग कमेटी के चेयरपर्सन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब टिकट
सीडब्ल्यूसी बांटेगी या सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा बीजेपी का, लेकिन दोनों बड़े नेताओं की दोनों पार्टियों के भीतर अहम रोल रहेगा, इस बात से इग्नोर नहीं किया जा सकता। ओके लखपत जी बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं, फिर मैं उसके बाद आगे आता हूँ सुशील जी के पास। आपने जिन बातों को लेके हरीश रावत जी से तुलना की थी, ये डिमरी जी भी मानेंगे कि क्योंकि हरीश रावत जी चुनते होकर नेतृत्व कर रहे थे, लीड कर रहे थे उस समय उधम सिंह नगर और हरिद्वार के अंदर जो 20 विधानसभा सीट है उनको लेकर के, क्योंकि पार्टी को लगता था वहां पे हम कमजोर हैं और उन्होंने लीड करने का काम किया। लेकिन क्योंकि उस समय आप जानते हैं उत्तराखंड में डबल इंजन की जो बयार थी उसके अंदर लोगों ने केंद्र पे ज्यादा भरोसा किया। मैं ये कह सकता हूँ कि दो चीज में मुख्यमंत्री धामी जी पीठ दिखा के भाग रहे हैं, वो पीठ दिखा के भाग रहे हैं, आज उन्हें अपना गांव याद आ रहा है, आज उन्हें अपना क्षेत्र याद आ रहा है क्योंकि वो डीडी हाट के रहने वाले, डीडी हाट से उनकी पैदाइश हुई है। सुशील त्यागी जी पीठ दिखा के क्यों भाग रहे हैं, उन्हें दो बार विधायक बनाया, वो कह रहे हैं लखपत साहब की पीठ दिखा के भाग रहे हैं, आज वो अपने गांव भागने की प्रयास कर रहे हैं, अपने क्षेत्र भागने का प्रयास कर रहे हैं। मैं ये समझ सकता हूँ कि आज भाजपा के अंदर जिस तरह का डर बैठा हुआ है उन्हें पता है कि किस तरह से भाजपा का सुपड़ा साफ होगा, मुख्यमंत्री पीठ दिखा के भाग रहे हैं सुशील त्यागी, उनके मन में डर है। तिलक जी एक मिनट में जवाब दे दूं। लखपत जी कुमाऊं से पीठ दिखाकर हरिद्वार में कौन आया था और कितना बुरा हाल हुआ था आपको याद है ना? आप जिस प्रकार की आज न्यूज वर्ल्ड पर बात कर रहे हैं, आप देखिए दो सीटों से लड़े दो हार गए, कुमाऊं से आए पीठ दिखाकर और हरिद्वार में यहां से किस मुंह से गए थे आपको याद नहीं रहा? आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी आपको बेनकाब करेगी 2022 में, ये जो खेल चल रहा है ना दिल्ली में आपका लखपत जी, डेली हेडलाइन जो दिल्ली से चलती है ना प्रीतम सिंह की और हरीश रावत की, सर वो हेडलाइंस का जिक्र मत करिए 2022 में, नहीं नहीं वो हेडलाइंस का जिक्र मत करिए सुशील त्यागी जी, वो बात कहीं और पहुंच जाएगी। नहीं नहीं वो हेडलाइंस कहां से चलती है छोड़िए उस बात को, अरे सुन लीजिए हरीश रावत जी पहले नेता उत्तराखंड के जो तीन लोकसभाओं से लोकसभा में गए हैं, देश के अंदर तीन लोकसभा चुनाव से चुनाव जीत के गए, क्या निशंक जी गढ़वाल से भाग के लखपत बड़ोला जी ये मैं आपसे कह सकता हूँ, मुख्यमंत्री को पता है भाजपा का हश्र क्या होगा उत्तराखंड में, और मैं कह रहा हूँ ये हश्र सेनापति के रूप में मुख्यमंत्री का हश्र दिखाई दे रहा है। मैं कह रहा हूँ पुनः मुख्यमंत्री खटीमा से चुनाव लड़े और जमानत नहीं बचाएंगे मान्यवर, जो आपने जो किसानों के साथ किया है सुन लीजिए, अन्नदाताओं के साथ जो अन्याय आपने किया है, यहाँ के नौजवान साथियों के साथ जो अन्याय किया है, जो आपके विधायकों ने यहाँ की महिलाओं के साथ अन्याय किया है, यहाँ की जनता नहीं भूलने वाली है और वो सबक मिलेगा आपको। लखपत साहब आप कैसे हवाएं उड़ा रहे हैं, डीडी हाट वालों से तो पूछ लो कि वो डीडी हाट से छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, आप डीडी हाट चुनाव लड़वा रहे हैं उनको, डीडी हाट वालों से तो पूछ लो जी, समझ रहे हैं ना आप, मैंने डीडी हाट वालों से तो पूछा नहीं आपने, हमारी पार्लियामेंट कमेटी तय करेगी, मैं यही तो कहना चाहूँ, तो मुख्यमंत्री स्वयं कह रहे हैं। ओके मैं यहाँ रहूँ ना रहूँ, ओके विशाल चौधरी ज्वाइन कर चुके हैं, एक सेकंड, मैं यही तो पूछना चाह रहा, मैं तो अभी ग्राउंड जीरो पर लेकर जाऊंगा, आप चिंता क्यों कर रहे हैं, मैं ग्राउंड जीरो लेकर जाऊंगा, मैं खुद होकर आया हूँ खटीमा, चिंता तो बिल्कुल नहीं कर, हम तो कहते हैं कि लखपत जी आप इंतजार तो करिए, और मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ मुख्यमंत्री जमानत नहीं बचाएंगे वहाँ से, मैं खटीमा होकर आया हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं खटीमा होकर आया हूँ, मैं हकीकत बताऊंगा आपको, ग्राउंड जीरो की हकीकत बताऊंगा, एक साथ नहीं 8 पत्रकार बैठे थे मेरे साथ, 8 पत्रकार, 8 पत्रकारों के बीच में मैंने ये सवाल पूछा था, वो सवाल बताऊंगा, जमानत नहीं बचाएगा, मैं पहले कह रहा हूँ तिलक जी, 8 से 8 पत्रकारों ने कहा मुख्यमंत्री यहाँ चुनाव हार जाएंगे, ये जीरो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है और मुख्यमंत्री जमानत नहीं बचा रहे, टाइमलाइन पर मौजूद है वो कार्यक्रम, अभी मैंने वो कार्यक्रम जो है जो किया था खटीमा में वो आप देखेंगे आपको दिख जाएगा, और 8 पत्रकारों ने मैंने उनसे पूछा था कि क्या चक्कर है खटीमा का, अभी मैं सुनाऊंगा, अभी कार्यक्रम में भी सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले विशाल चौधरी जी मेरा ऑडियो आ रहा है आपको जी? आ रहा है सर। विशाल चौधरी जी, सीएम साहब खटीमा छोड़कर दूसरी सीट से चुनाव
लड़ने जा रहे हैं। लखपत बड़ोला साहब कह रहे हैं कि पीठ दिखाकर भाग रहे हैं, और सुशील त्यागी जी कह रहे हैं ये हम नहीं पार्लियामेंट्री वोट तय करेगा। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए ये दुर्भाग्य रहा है उत्तराखंड का, जो इस प्रदेश के मुखिया रहे हैं वही अपनी विधानसभा की जनता के प्रति जवाब दे नहीं रहे। मतलब आपको तो हरिद्वार के लोग चुनकर भेज रहे हैं, विधानसभा में आपको प्रदेश का मुखिया बना रहे हैं, आपकी जवाबदेहता क्या फिर उत्तरकाशी के लोग तय करेंगे? दूसरी बात, 10 साल से आप एक विधानसभा के विधायक हैं खटीमा के, तीसरी बार तो आपको और ऊर्जा के साथ चुनाव लड़ना चाहिए कि भैया मैंने 10 सालों में ये विकास कार्य किए हैं, पिछली बार अगर मेरी लीड 4,000 की रही तो इस बार 12,000 की होती। मतलब भाई वोट तो आप जनता से ले रहे हो, चुनाव लड़ने का फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, और विधायक वो खटीमा के लोग पागल थे जो पुष्कर सिंह धामी जी को जिन लोगों ने विधायक बनाया? मतलब उन वो जिसके प्रति जवाबदेही था पुष्कर सिंह धामी जी की बनती है, वो लोग पागल थे जो मतदाता थे खटीमा के? मतलब अब ये मतलब भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि खटीमा के विधायक को हम कोटद्वार से लड़ाएं या देहरादून से लड़ाएं? आप जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आए हो खटीमा से, तो आप अपना रिपोर्ट कार्ड प्रेषित करो ना, पारदर्शिता के साथ चुनाव लड़ो। आपके यहाँ कौन तय कर रहा है अपना रिपोर्ट कार्ड? आपके यहाँ कौन तय कर रहा है कि कर्नल कोठियाल गंगोत्री से लड़ेंगे? देखिए मैं बताना चाहूंगा कि कर्नल कोठियाल जी की स्वयं इच्छा थी कि मैं गंगोत्री से चुनाव लड़ू, क्योंकि गंगोत्री के क्षेत्र में कर्नल कोठियाल जी ने काफी काम किया, और एक ऐसे व्यक्ति तो जिन्होंने 12,000 छात्रों को सेना में भर्ती कराया। ये विशाल जी कहीं कर रहे हैं। आप NIM इंस्टीट्यूट के आप वो आपकी उपलब्धि आप मंच पर गिनवाइएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुशील त्यागी जी जवाब देना चाह रहे हैं। सुशील जी जवाब दीजिए, फिर मैं जो है लखपत साहब को आ रहा हूँ लेकर कार्यक्रम में, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए विशाल जी जिस पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में आपके चैनल पे है, वहाँ वास्तव में कोई कहीं से भी चुनाव लड़ने वहाँ कोई मायने नहीं होते, ना महानेतृत्व होता वहाँ जी। इसीलिए आम आदमी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व था वो 70% हमारे यहाँ जनता के प्रति जवाबदेहता होती है, जनता की राजनीति नहीं करते। अच्छा, हम जीत कर आए देहरादून से और बाद में पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करे कि हमें केदारनाथ से लड़ना है या हमें रुद्रप्रयाग से लड़ना है। अच्छा, उत्तराखंड की जनता पागल है क्या? जो मतदाता आपको विधानसभा विधायक बना के भेज रहा है, आपके उत्तरदायित्व उसके प्रति बनता है अगली बार चुनाव लड़ने का या अगली दूसरी विधानसभा चुनोगे आप लोग जाकर? विशाल जी क्या मजाक बना रखा है आपने संवैधानिक व्यवस्था का? विशाल मतलब कहीं भी संविधान में अगर निर्वाचन प्रक्रिया का एक प्रारूप तैयार किया गया है कि भाई जिस क्षेत्र के आप प्रतिनिधि चुन के जा रहे हैं तो उस क्षेत्र के प्रति आपकी जवाबदेहता तय होती है। राजनीतिक दल एक व्यवस्था है, ठीक है, निर्वाचन आयोग में आपके राजनीतिक दल पंजीकरण है, वहां से सिंबल लेके चुनाव लड़ रहे हैं आप लोग। ओके लखपत साहब, लेकिन जब आप विधायक बन रहे हैं तो आप जनप्रतिनिधि बन गए ना। लखपत साहब ये कह रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों के विधायक यूं ही हैं कि चुनाव लड़ते हैं यहाँ और फिर अगली बार ढूंढते हैं नई विधानसभा सीट, पहले पहाड़ और फिर मैदान फिर पहाड़, यही चल रहा है उत्तराखंड में। जी मैं आपसे कह सकता हूँ कि संविधान की बातें कह रहे थे हमारे भाई, तो संविधान ने ये अधिकार दिया है कि कोई व्यक्ति प्रदेश में कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, उसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये बुराई हमने क्योंकि जो आज डिबेट का मुद्दा वो इसलिए कि जिस मुख्यमंत्री जो विकास की बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, जो डबल इंजन की बात कह रहे हैं, वो आज इतने घबरा गए कि अपने विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर के अब अपने गांव की सीट, अपने पैतृक गांव, अपने पैतृक जिला, अपने पैतृक ब्लॉक की सीट उन्हें याद आ रही है। बात इस पे है कि कितनी घबराहट सरकार के पास है, पहली बात है। दूसरी बात, इन्होंने निम की बात की है, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा मान्यवर कि कर्नल कोठियाल के आने से पहले भी उत्तराखंड में केवल 22 गढ़वाल रेजिमेंट थी, क्या कर्नल कोठियाल नहीं था तो कोई भर्ती नहीं होता था? वो भर्तियां खाली चली जाती थी निम से पहले, ये बताने का काम कीजिए कि जो गढ़वाल रेफल में जो आप बताइए ना, कोई योग्य मुख्यमंत्री का चेहरा आपके पास है क्या? उसके अलावा पहले बढ़ते आप बताइए ना मुझे,
पहले नौकरी नहीं चाहते बात कि अगर आपके मुख्यमंत्री खुद चुनाव लड़ने में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं अरे पूरी बात तो क्या जनता के प्रति आपकी जवाबदेहता है अरे मैं तुम्हें इंटरेस्ट प्रदेश का असुरक्षित महसूस कर रहा है निम का भी पूरा सुन लीजिए दुर्भाग्य है कि आप निम को भी ढंग से नहीं कैबिनेट और अन्य विधायकों से हम क्या अपेक्षा करें बताइए आप लोग मैं तुम्हारी वो बात मैं सुन लीजिए मैं निम की भी तुम मुख्यमंत्री को डर लग रहा है अपने विधानसभा में इस बात को सुन लो पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपका कुछ दिन पहले जो आपने एक प्रकरण उजागर किया कि एक बियर फैक्ट्री का जो आरोप लग रहा है हमारे मुखिया साहब पर वो कहीं ना कहीं एक इस निर्णय पे असर रखता है मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं अगले पिछले दो दिन के अंदर ये अगर चीजें चल रही हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो वो शराब प्रकरण या वो बियर फैक्ट्री का प्रकरण मुद्दे पे आए मुद्दे पे आए विशाल जी मुद्दे पे आए मुद्दा आए एक सेकंड ये बीजेपी को तय करना है या आप लोगों को तय करना है लखपत जी कि वो सीएम कहां से चुनाव लड़े मैं सुन लीजिए हर पार्टी हर व्यक्ति का अपना निर्णय है संवैधानिक अधिकारों के अंदर कोई ये चैनल पे बैठ के किसी ने संविधान के अंदर ये प्रावधान है और प्रावधानों के अंदर कौन पार्टी किस रणनीति के हिसाब से चुनाव लड़ती है उस पर हम किसी का इंटरेप्ट करना नहीं चाहते ना हम किसी की बात सुनना चाहते हमें किसी की राय अब ये बैठ के बीजेपी तय करेगी कि हरीश रावत और प्रीतम सिंह कहां से चुनाव लड़ेंगे प्रीतम सिंह कल को ये बोलते कि मैं चक्राता से चुनाव नहीं लड़ता फिर ये तय बीजेपी करेगी कि आखिरकार कहां से चुनाव लड़ेंगे प्रीतम सिंह सुन लीजिए प्रीतम सिंह तो लगातार चक्रौता से चुनाव जीतते आए हैं वो चक्रौता से चुनाव लड़ेंगे वो मैं डंके की चोट पे भी कह रहा हूँ आज के लेकिन मैंने ये कह दिया है कि तो फिर डंके की चोट पे ये भी बता दीजिए हरीश रावत कहाँ से चुनाव लड़ेंगे बताइए डंके की चोट पे मुझे मैंने हरीश रावत जी किसी सीट से लड़ सकते हैं क्या दिक्कत है उसमें अच्छा हमने जो अभी तक तो फिर मुझे डंके की चोट पे बताइए आप मुझे डंके की चोट पर बता रहे हैं तो यही बता दीजिए चलिए यशपाल आर्य कहां से लड़ेंगे मैं मान जाऊंगा आपको यशपाल आर्य का बताइए डंके की चोट पे मुझे फिर मैं बताता हूँ आपको कि बाजपुर से लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे यशपाल आर्य जी अपने सीट से रुद्रपुर से चुनाव लड़ रहे हैं उसमें कहाँ दिक्कत है कहाँ से लड़ेंगे आपने अपने सीट से रुद्रपुर से चुनाव लड़ रहे हैं उसमें कहाँ दिक्कत आ रही कहीं अच्छा बाजपुर से चुनाव लड़ेंगे यशपाल आर्य वो बाजपुर से चुनाव लड़ रहे हैं सॉरी बाजपुर से चुनाव लड़ेंगे जी निश्चित चुनाव लड़ेंगे बाजपुर से मैं अच्छा चोट से कह रहा हूँ अपने सीट से चुनाव लड़ेंगे अब वो लगातार पूछ लीजिए बाजवाजी से ही पूछ लीजिएगा सर छोड़िए लेकिन मैं ये कह सकता हूँ सुन लीजिए मैं ओके सुशील आपने हरीश रावत जी की बात की हमने 11 कमेटियों का गठन किया है हरीश रावत जी के साथ ये दिल्ली में तय किया गया उत्तराखंड के सारे लोगों ने बैठ के प्रभारी से लेकर सर सरकार उत्तराखंड में चलानी है दिन तय दिल्ली करता है सरकार उत्तराखंड में चलानी है आप कैंपेन जारी करते हैं दिल्ली में ये अजीब लॉजिक है सर हरीश रावत जी कर रहे हैं तीन बिगाड़ा काम बिगाड़ा जाएंगे दिल्ली में आप सुन लीजिए आप फिर उसी दिल्ली वालों को उत्तराखंड लेकर आइए ना दिल्ली वालों को उत्तराखंड लेकर आइए आप उत्तराखंड से जाते हैं दिल्ली और कहते तीन तगाड़ा काम बिगाड़ा देखो ये पोस्टर कैंपेन जारी कर रहे हैं उत्तराखंड का और जा रहे हैं दिल्ली में आवाज नहीं अच्छी बात पूछी तिलक जी आपने अच्छी तिलक जी आवाज कट रही है आ रहा हूँ सुशील कि आपने कहा जो हमने थीम सॉन्ग किया है उसके अंदर देखिए हमारे प्रभारी जी है चाहे निवर्तमान मुख्यमंत्री हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी क्यों आपके प्रभारी को देहरादून का रास्ता नहीं मालूम सर उन्होंने तय किया आपके प्रभारी को देहरादून का रास्ता नहीं मालूम क्या हम पूरे सरकार की पोल खोलने का काम करेंगे तो पोल दिल्ली में क्यों खोलते उत्तराखंड में खोल लो किस तरह का अन्याय किया जा रहा है उसमें क्या बुराई है दिल्ली उत्तराखंड से छूती है दिल्ली क्या छूती दिल्ली उत्तराखंड वालों को दिल्ली कोई दिक्कत नहीं लेकिन हाँ सर चुनाव के वक्त ही याद आती है दिल्ली जो संचालन है चुनाव का जितना भी माहौल ठीक है उत्तराखंड के नेतृत्व हरीश रावत जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा वो तय किया गया है ओके लखपत जी आपसे कैसा शीर्ष नेतृत्व ने भी ये तय किया लखपत जी और उन्होंने इतने जोर से हरीश रावत जिंदाबाद के नारे मत बोलो प्रीतम जी नाराज हो जाएंगे आज आप तिलक जी अपने चैनल से भी यदि आप सर्वे कराएंगे तो उत्तराखंड के सर मैं ग्राउंड जीरो पर सर्वे करके आया हूँ मैं ग्राउंड जीरो पर सर्वे करके आया हूँ तो कुमाऊं और गढ़वाल की हकीकत बताऊं आपको हकीकत बताऊं आपको कांग्रेस की हकीकत बताऊं आपको आप जिनका नाम ले रहे हैं उनकी हकीकत बताऊं आपको बताऊं ग्राउंड जीरो पर क्या है ग्राउंड जीरो पर बताऊं क्या है ग्राउंड जीरो पर सुनना चाहते हैं बताता हूं आपको और आप भी जानते हैं मैं कहां इशारा कर रहा हूं जहां जहां मैंने कार्यक्रम किए गढ़वाल और कुमाऊं में वहां पर आप ही के कांग्रेस के चार चेहरे आए मेरे पास बोले साहब आए थे साहब बोले तैयारी करो फिर दूसरे वाला आता है कहता है कि सर आए थे मुझे बोल गए तैयारी कर लो तीसरे वाला आता है इनकी बातों पर यकीन मत करना टिकट तो मुझे ही मिलेगा बोल गए मुझे साहब
चौथे वाला कहता है कि ये तो पक्का है कि टिकट मुझे ही मिलना है, इन तीनों को गोली दे रहे हैं। चार चार दावेदार हैं जिनको बोला गया कि टिकट मिल जाएगा, टेंशन मत लो, तैयारी करो, चारों को बोला, और एक ही साहब ने बोला, एक ही साहब ने। अब वो साहब कौन है आप जानते हैं, अब छोड़िए उस बात को। लखपत जी खामा का मेरे से अब दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, छोड़िए, मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी, देहरादून आना है मुझे। एक सेकंड डिमरी जी, डिमरी जी, ये बड़ी बड़ी दावे और वादे कर रहे हैं आप। देखिए विशाल चौधरी जी कितनी बड़ी बात बोल रहे थे कि अपने क्षेत्र की जनता से धोखा, अपने क्षेत्र की जनता के साथ बेवफाई, चुनाव लड़ते हैं फिर अगली विधानसभा सीट पर चले जाते हैं। मैं तो विशाल जी ऐसे लोगों को भी जानता हूं, और डिमरी जी से पूछिए, जो एक बार विधानसभा सीट पर लड़ते हैं अगली बार वहां पर लड़ते ही नहीं, अगली बार विधानसभा ही बदल देते हैं और ठोक बजा के बोलते हैं कि 10 दिन पहले बता देना, उस सीट पर जाऊंगा और चुनाव जीत जाऊंगा, और मंत्री भी बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते हैं। समझ रहे हैं ना विशाल जी? लखपत जी तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लखपत जी को तो खैर धोखा मिला है, लखपत जी को तो पीठ में छुरा घोपा है उन्होंने, छुरा, और आज भी कह रहे हैं कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ प्लीज आ जाओ। डिमरी जी मैं गलत कह रहा हूं? और फिर कह रहे हैं कि सीएम साहब क्यों बदल रहे हैं सीट। डिमरी जी हम लोग तो ये नहीं कह रहे हैं तिलक भाई। डिमरी जी जी मैंने गलत बोला क्या? नहीं नहीं बिल्कुल, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के भीतर इस टाइप का क्राइसिस है, चाहे वो बीजेपी में हो चाहे कांग्रेस में हो। और ये सिनेरियो आपका तिवारी जी के टाइम से और उसके बाद भी बड़े बड़े नेताओं ने सीट बदली है, इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस के भीतर भी बदली गई है, बीजेपी के भीतर भी बदली गई है। आम आदमी पार्टी का नया नया चुनाव का मैदान है, आम आदमी पार्टी अपना कैडर को डेवलप करने में जुटी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। दिल्ली के पैटर्न पे आप उत्तराखंड की जनता कितना एक्सेप्ट करेगी कितना नहीं करेगी ये 2022 में पता लगेगा। फिलहाल तो बीजेपी और कांग्रेस एक दोनों ऐसे दल हैं जिन्होंने टाइम टाइम पे सत्ता संभाली है 20 साल के भीतर। यहाँ की जो रीजनल पार्टी है उसका बहुत ज्यादा आधार नहीं है 20 साल के भीतर। आपको देखने लगता होगा कि अदर स्टेट में अगर हम बात करेंगे पॉलिटिकल हिस्ट्री के ऊपर, आप तमिलनाडु ले लीजिए, आप साउथ के लीजिए केरल ले लीजिए, आप कर्नाटक ले लीजिए, या आप बिहार में चले जाइए, या आप और उत्तराखंड में, उत्तराखंड राज्य को लेकर के उत्तराखंड क्रांति दल ने बहुत बड़ा मूवमेंट किया था भारत को, लेकिन उसके बाद जब राज्य गठन हो जाता है और एक रीजनल पार्टी होने के नाते कहां पब्लिक का विश्वास जीत पाई यूके की, तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गढ़वाल का, उत्तराखंड का, कुमाऊं का पूरा जो कंसंट्रेशन रहता है वो नेशनल पार्टी के ऊपर रहता है, या तो बीजेपी और या फिर कांग्रेस। उसका रीजन पता क्या है आपको डिमरी जी? क्योंकि आप भी पत्रकार है और थोड़ा बहुत उत्तराखंड क्रांति दल के इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आपकी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं, और लखपत जी जानते हैं दरअसल वो सत्ता की गोद में बैठ गए, जब सत्ता मिली तो सत्ता की गोद में बैठ गए, और जो गोद में बैठे उन्होंने उत्तराखंड क्रांति दल को खंड खंड कर दिया, खंड खंड कर दिया, समझ रहे ना सर? वो कौन थे? बिल्कुल वो कौन थे वो सब जानते हैं, मंत्री भी बन गए, और जिस मुद्दे को लेकर मंत्री बने तो वो मुद्दा ही भूल गए, और अपने ही कार्यकर्ता आए तो उन्होंने कहा कि बाहर निकलो जूता मारूंगा नहीं तो, और उत्तराखंड क्रांति दल में क्या हुआ वो सबने देखा। खैर मैं अब उस विषय पर आ रहा हूं कि खटीमा की तस्वीर ये आप देख रहे हैं, लेकिन अब मैं आपको हकीकत बताता हूं। और विशाल चौधरी जी फिर मैं आपके पास आ रहा हूं, इस बयान को जरा ध्यान से सुनिएगा, ये बयान जो है मैं आप सुनाने जा रहा हूं, और मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा इसको प्ले करेंगे, और मैं इस बयान को आपको इसलिए सुना रहा हूं, सुशील त्यागी जी, लखपत जी, दरअसल मैं खटीमा गया था, और खटीमा में हमने तमाम कार्यक्रम किए, और हमारी आदत है हम ग्राउंड जीरो पर जाकर आकलन करते हैं, ग्राउंड जीरो पर जाकर, हवा हवाई नहीं, ग्राउंड जीरो पर। अब सीएम साहब ये बात क्यों कह रहे हैं, ये बात क्यों कह रहे हो, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, और इस वजह को अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कि वजह क्या है, और इस वजह के पीछे की हकीकत कितनी है, कितना फसाना मैं नहीं जानता, लेकिन वहां पर ग्राउंड जीरो पर जब मैंने खटीमा के ही 7 पत्रकारों को इकट्ठा किया, कितने? 7, और उन 7 के साथ मैंने मंडली बैठाई, चाय पर चर्चा की, तब मुझे एक फैक्टर समझ में आया, मुझे वो फैक्टर समझ में आया कि आखिरकार अगर ये फैक्टर
ग्राउंड जीरो पर वाकई उतरा तो क्या वाकई सीएम साहब की कुर्सी खतरे में है, मतलब विधानसभा? और अगर ऐसा है और सीएम साहब जानते हैं तो क्या खटीमा से वो चुनाव लड़ेंगे? मेरे दिमाग की घंटी बज गई थी तभी, और इस दरमियान ये बयान आ गया, ये बयान आ गया। अब मैं आपको सुनाता हूं कि पत्रकार ने कहा क्या था, वहां के वरिष्ठ पत्रकार है और वरिष्ठ पत्रकारों ने कहा क्या था कि किस तरह से जो है ये सीट जो है वो सीट का एक फैक्टर है, जातीय फैक्टर, और वो जातीय फैक्टर अगर आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ गया तो सीएम साहब के लिए खतरे की घंटी है, और उस फैक्टर पर मैं आगे चर्चा करूंगा। प्लीज प्ले करिए, अपने सहयोगी से चाहूंगा और फिर उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। एक्चुअल में ऐसा है ना, यहां पे कैंडिडेट थारू अगर चुनाव में आ गया, जैसा कि अभी आम आदमी पार्टी के पहले एसएस कलेर यहां पे प्रभारी नियुक्त हो चुके हैं, वो लग रहा था कि वो उनका टिकट लगभग फाइनल है, लेकिन अचानक जो है जो पिछली बार बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट थे रमेश राणा, जो कि तीसरे नंबर पर रहे थे और बहुत मजबूती से लड़े थे, वो उनकी एंट्री जो है आम आदमी पार्टी में हो चुकी है। अब अगर आम आदमी, और वो थारू नेता माने जाते हैं, कद्दावर नेता हैं थरवाट के, और इस समय राणा थारू परिषद के अध्यक्ष भी हैं वो, अगर आम आदमी पार्टी थारू को किसी को टिकट दे देती है तो ये चुनाव त्रिकोणीय हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। थारू को टिकट, लखपत साहब मैंने कहा ना, हम लोग ग्राउंड जीरो पर जाकर काम कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर, और खटीमा के ये सात पत्रकारों ने एक ही बात कही थी, थारू समाज। मैं आ रहा हूं लखपत जी, आ रहा हूं डिमरी जी, विशाल चौधरी मैं आपके पास आ रहा हूं, और उसके बाद सुशील त्यागी आपके पास आ रहा हूं। विशाल चौधरी, पत्रकार कह रहे हैं कि थारू समाज से अगर आम आदमी पार्टी ने किसी को कैंडिडेट बना दिया तो यह सीट टफ हो जाएगी। अगर थारू समाज से कोई कैंडिडेट निकलकर आ गया, और खास तौर पर एक चेहरे का जिक्र किया उन्होंने, रमेश राणा का, कहा कि अगर यह फैक्टर हो गया तो आम आदमी पार्टी यहां पर फाइट में आ जाएगी, क्या यही वजह है कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं कहीं भी रहूं लेकिन दिल मेरा खटीमा में है, क्या यही वजह है? सुशील त्यागी जी मैं आ रहा हूं आपके पास, विशाल चौधरी पहले। देखिए, अभी कुछ दिन पूर्व ही राणा जी ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी, और ये सत्यता है कि खटीमा विधानसभा में राणा जी का थारू समाज में एक अपना प्रभाव है, और पार्टी उसका पूरा विश्लेषण समीक्षा भी कर रही है। चुनाव लड़ेगा वो राजनीतिक रूप से समाज होगा, कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी में जिस प्रकार से जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, आप ये कह रहे हैं कि हम विचार कर रहे हैं, ये थारू जाति थारू समाज को लेकर अगर सुरेश रमेश राणा का जिक्र किया मैंने, तो आपने कहा हम विचार कर रहे हैं इससे मजबूत हुआ है। लेकिन सुशील त्यागी, अब मैं आ रहा हूं मेन फैक्टर पर, हर कोई कह रहा है डीडी हाट, हर कोई कह रहा है पिथौरागढ़, हर कोई कह रहा है कि खटीमा नहीं तो कौन, लेकिन वजह क्या है, वजह क्या है? क्या वाकई थारू समाज और रमेश राणा की एंट्री आम आदमी पार्टी में, क्या एक वजह यह भी है? सुशील त्यागी जी, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट बता रहा हूं आपको। सुशील त्यागी जी, आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे सही से। सर कहां खटीमा में बैठे हैं क्या? आवाज ब्रेक है सर, खटीमा में है क्या? मैंने कहा कि थारू समाज से सुरेश नहीं, नहीं, रमेश राणा आम आदमी पार्टी में आए, और चर्चा ये है कि अगर उनको टिकट मिलता है तो थारू समाज एक तरफा आ सकता है। ब्रेक। ओके, सुशील त्यागी जी का नेट में दिक्कत आ रही है, लग रहा है खटीमा में है। ओके, लखपत बड़ोला साहब जी, पिछली बार देखा मैंने कि भुवन कापड़ी ने टफ फाइट दी थी, और अब की बार थारू समाज से अगर कोई आया तो फिर ट्रायंगल फाइट हो जाएगी, फिर भी आप कह रहे जमानत बच्ची नहीं पाएगी मुख्यमंत्री जी। मैं आपसे कह रहा तिलक जी, क्योंकि आपको साधुवाद है, आप उन देश के उन चुनिंदा पत्रकारों में जो वास्तव में जमीनी हकीकत को जानते हैं और विश्लेषण के बाद ही किसी बात को कहते,
मैं आपसे पुनः कह रहा हूं, आप चैनल के माध्यम से स्पष्ट न कहें लेकिन सातों पत्रकारों ने कहा होगा कि मुख्यमंत्री का यहां से चुनाव जीतना इस समय बहुत मुश्किल है और वो चुनाव हार सकते हैं। ये एक मुख्यमंत्री की आज स्थिति है उत्तराखंड के अंदर, तो आप समझ सकते हैं पूरे प्रदेश में भाजपा की क्या स्थिति। दूसरी बात मैं आपसे कह सकता हूं कि ये जरूर कहा जा सकता है कि केवल ये स्थिति मुख्यमंत्री की नहीं, हाँ ये जरूर है कि जिन्हें नेतृत्व दिया गया, जिनको इस प्रदेश में भाजपा की नया पार लगानी थी, जिन्हें इस प्रदेश में भाजपा को चुनाव जिताना था, वो स्वयं अपने लिए सुरक्षित जगह देखना चाह रहे, वो स्वयं चुनाव से भाग करके और उन्हें अपने गाँव की, अपने पैदाइश की, अपने ब्लॉक की और अपने जिले की याद आने लगी है। ये जरूर मैं कह सकता हूँ भाजपा का भरोसा नहीं, वो चुनाव कितने टिकट काट दे, बिशन सिंह चुफाल जी का भी कहीं नंबर न कट जाए, इस समय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष में हो, लेकिन भाजपा कुछ भी कर सकती है इसमें, कहीं कोई तो रहे, भारत के अंदर लोकतंत्र तो है नहीं, किसी तरह की किसी को कहने की कोई आजादी तो है नहीं, तो कुछ भी कर दे, ये तो दो लोगों की पार्टी है, दो लोगों के लिए देश चल रहा है। क्यों आप तो चुफाल जी वाली बात नहीं, वो उनके इंटरनल मामले में कह सकता हूँ उत्तराखंड की क्यों इतने सीधे साधे व्यक्ति हैं, कहीं से चुनाव चुफाल जी इतने सीधे साधे व्यक्ति हैं, आप क्यों उनको उनकी सीट खतरे में डाल रहे हो, इतने सीधे साधे व्यक्ति हैं, उनकी खासियत मालूम है क्या है दामी जी, कहीं से भी चुनाव लड़े, उनकी खासियत पता क्या मालूम है, मालूम है आपको उनकी खासियत, तो आप जानते ही होंगे लखपत जी, अपने क्षेत्र के बच्चे से बच्चे और बड़े से बड़े का नाम जानते हैं, जैसे तिवारी जी की खासियत थी, ग्राउंड में रहते हैं, आप ऐसे ही उनका बेवजह कह रहे हैं कि उनकी सीट खतरे में है, डीडी हाट पर निशाना है। खैर ओके सुशील त्यागी, अब मेरा ऑडियो आया आपको? जी अब आया। सुशील त्यागी जी, मैंने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर जब टटोला तो मुझे पता चला कि ये थारू फैक्टर जो है ना, थारू समाज, वहां रमेश राणा साहब हैं, रमेश राणा थारू समाज से, वो पिछली बार बीएसपी से लड़े थे और तीसरे नंबर पर रहे थे और जो फाइट थी ना वो बहुत टाइट थी, अब वो आम आदमी पार्टी में आ चुके हैं और माना जा रहा है इसलिए सीएम साहब जो हैं कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, थारू समाज, आपकी प्रतिक्रिया? तिलक जी आज सही से आवाज नहीं सुनने के कारण बात ठीक से नहीं सुन पाया, लेकिन जितना भी मैंने सुना है, देखिए कयास और आइडिया के आधार पर आज ये डिबेट है। आप निश्चित रूप से बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आपने एक विषय को लेकर आज जिस डिबेट का आयोजन किया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड एक सिस्टम है, व्यवस्था है, उसी के आधार पर नेट में दिक्कत आ रही है, मैं कनेक्ट करता हूँ। ओके सुशील त्यागी मेरे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन ये बात डिमरी जी मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो जातीय समीकरण होते हैं उसके आधार पर भी सियासत उत्तराखंड में होती है, कोई ठाकुर ब्राह्मण ये जो फैक्टर हैं, और मुख्यमंत्री अगर ठाकुर है तो प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण होगा, अगर मुख्यमंत्री ब्राह्मण है तो प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर होगा, ये जातिगत सच्चाई तो है उत्तराखंड की। क्या वाकई में खटीमा में सीएम साहब इस बात को समझ रहे हैं कि जातीय गणित अगर नहीं सुलझाया तो फिर दिक्कत हो सकती है और इस वजह से जो है चलिए टटोल लिया जाए कि कौन सी सीट सेफ है? डिमरी जी बिल्कुल निश्चित तौर पे पॉलिटिकल इक्वेशन को लेकर के अगर हम बात करते हैं तो दोनों ही पार्टी बीजेपी भी और कांग्रेस भी पॉलिटिकल इक्वेशन में कुमाऊं गढ़वाल का बैलेंस करती है, ब्राह्मण ठाकुर का बैलेंस करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी से छुपी भी नहीं है और ये पॉलिटिकल इक्वेशन इस बात को अलाउ भी करती है चाहे वो। लेकिन मैं लगातार 20 साल मतलब ये चौथा 2002 का पहला चुनाव हुआ था, पहली निर्वाचित सरकार बनी थी 2007 में, 2012 2017 और ये पांचवा चुनाव होगा, उत्तराखंड का पुराना भी अगर जी संपर्क टूट गया। फाइनल कमेंट आपका लखपत बड़ोला साहब, फाइनल कमेंट आपका इस बात को लेकर कि आप धामी जी में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, अपने घर को मजबूत करिए ना, वो कहां से लड़ेंगे कहां से नहीं, छोड़िए इस बात को। लखपत जी का ऑडियो प्लीज। तकनीकी दिक्कत आ रही है, माफी चाहूंगा आप सभी से, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, लखपत बड़ोला जी, सुशील त्यागी जी, विशाल चौधरी जी और आशुतोष जिमरी जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।